How's weather in Sri Lanka? Good to see you, our honorable assembly of dear students. Today we are discussing about, as you know, in the previous lecture we have discussed about active and passive, and now we are going to discuss about past perfect. ठीक है? Past perfect जो है, उसका हम if we talk about affirmative positive sentences, तो उसके अंदर simple चीज़ है. सबसे पहले तो हम helping verb देखेंगे. तो helping verb इसका यही होता है जिसको had कहते हैं. ठीक है, हैड हेल्पिंग वर्ब है. अगर आप हम एक्टिव फॉर्मल देखें इसके लिए, तो सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका मेन वर्ब जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, प्लस आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट. सो यहां पे अगर हम एग्जांपल देख लें, जो हम सेंटेंस यूज कर रहे थे, शी इज राइटिंग अ लेटर या शी राइट्स अ लेटर, हमने सभी के अंदर वो यूज किए. अब यहां पे करके देखते हैं कि शी सब्जेक्ट हैड, इसके अंदर सिंगुलर प्लूरल वाला कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही आदमी वो यही आएगा जिसका डेट था पास्ट परफेक्ट में. शी हैड, सिर्फ आपको ये बताओ ना कि हैड हमेशा पास्ट परफेक्ट में आता है. कोई भी दुनिया का डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सा सेंटेंस यूज, कौन सा टेंस फॉर्म यूज हुई है इस सेंटेंस के अंदर, आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो. शी हैड थर्ड फॉर्म राइटली रिटन अ लेटर. अब हम अगर नेगेटिव की बात कर लें, तो लास्ट हमने लेक्चर में क्या किया था कि हमने वर्बिंग और की बार नॉट यूज किया था, और सेम इज द केस हियर कि अगर हम इसको नेगेटिव करना चाहें, अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहें, तो यहां पे सिर्फ नॉट यूज करना. तो ये देखो, शी हैड नॉट, यहां से वर्बिंग और की बार नॉट आ गया, शी हैड नॉट रिटन अ लेटर. ठीक है, ये मैंने दोनों के लिए कर ली. अब पैसिव फॉर्म का देखिए कि पैसिव में क्या करना है. हमने हमारे पास सबसे पहले आ गया तो ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब. अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इफ यू रिसर्च इट और आपने सुने अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि पैसिव के अंदर हमेशा जो परफेक्ट है उसके अंदर बीइंग फॉर्म यूज होती है. बीइंग और पैसिव की आपको पता है फॉर्म ऑफ वर्ब ही थर्ड है, प्लस बाय प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा. अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर. अब हमने इसको भी नेगेटिव करना है, अफर्मेटिव से नेगेटिव करते हैं हम, तो सिंपल सी चीज है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट. अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हर, सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर. दिस इज लैंग्वेज बेसिकली, आप जस्ट इसके लैंग्वेज के सिंटैक्स के अंदर जस्ट फ्रैगमेंट्स अलग करेंगे आप, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेसिकली जो आप जितना भी इसको डेविएट करना चाहते हैं लैंग्वेज में, यू विल स्पीक वेरी वेल व्हेन आई विल यू जस्ट आप इसके फ्रैगमेंट्स को आगे पीछे करें, जस्ट रिप्लेस इट एंड आपके पास ये नेगेटिव कैसे फॉर्म हो गए. अभी हम यहां से इजीली हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे. हेल्पिंग वर्ब आपका सेम चलता रहेगा थ्रू आउट, और बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंस होता रहता है आपके पास. अब अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव स्पेलिंग मिस्टेक, जल्दी में लिखते हैं आज मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक की हो रही है, क्योंकि आई एम कीपिंग द लेक्चर शॉर्ट सो दैट आप इसको इजीली दे सके. अगर 20 मिनट्स का इसको पूरी डिटेल्स के अंदर डिस्कस किया जाए, 20-30 मिनट्स का लेक्चर को शायद आप पूरा नहीं देख पाएंगे, लेकिन आई एम मेकिंग इट शॉर्ट कि आप अंडरस्टैंड हो जाए कि इसको किस तरह से करना है. अफर्मेटिव एक्टिव फॉर्मूला अगर हम देखें, तो इंट्रोगेटिव का आपको हमेशा होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर आपके पास आता है सब्जेक्ट, फिर आपके पास आता है मेन वर्ब जो कि यहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके पास सवाल आता है. अब एग्जांपल हमारे पास कौन सी थी, हैड डेफिनेटली पहले आएगा, शी रिटन
Same is the case in passive form. Passive form का अगर हम देखें तो यहाँ पे भी helping verb पहले, फिर subject की जगह आएगा object, फिर आएगा been. तकरीबन सेम फॉर्मूला है, लाइक हमने किया है आपके प्रेजेंट जो हमने किया था पैसिव का फॉर्मूला, उसका भी सेम फॉर्मूला है, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब उसका दूसरा है और बाकी सब कुछ वही रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब आप दूसरा यूज कर इधर हैज लगा दो तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है. सो लिटिल डेविएशन है जस्ट हेल्पिंग वर्ब की वजह से, पूरा पूरा टेंस चेंज हो जाता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की वजह से. हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस आपका मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आपके पास आ जाएगा बाय प्लस आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा और प्लस आपके पास क्वेश्चन मार्क की भी हैड आ लेटर बीइंग रिटन बाय हर. सो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में इंडिकेटेड कि हम इसका नेगेटिव ही करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्योंकि मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे जो इस कैमरे के पीछे ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि बच्चों के लिए सर थोड़ी और आसानी करें और थोड़ा सा समझा दें उनको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको नेगेटिव बनाने के लिए जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था कि सब्जेक्ट के बाद आप नॉट यूज करें एंड ऑब्जेक्ट के बाद आप नॉट यूज करें, यहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं यूज करना, अफर्मेटिव को नेगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, लेकिन इंट्रोगेटिव जो है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को जब इंट्रोगेटिव को नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट और पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट के बाद आपका नॉट यूज होगा, लेकिन अगर आप अफर्मेटिव को कर रहे हैं तो वो एक्टिव में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा और आपका अगर पैसिव फॉर्मूला है तो उसके अंदर भी आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा जिस तरह हमने ऊपर किया 20 से पहले. तो यहां पे क्या हो जाएगा हैड शी नॉट रिटन अ लेटर, हैड अ लेटर ऑब्जेक्ट है नॉट बीन रिटन बाय हर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड practice it. Different sentences, लेकिन छोटे-छोटे sentences try making it short. मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा जब creative writing करें, your sentences should be precise. Precise sentences का फायदा ये होता है, आपके पास पता चल जाता है कि subject है, ये object है, ये verb है, और आपका ये छोटा होने की वजह से आपकी mistakes कम होगी. So this is my suggestion to you. Take my advice. And practice it. और जितनी spoken के ऊपर practice कर सकते हैं, do it. Because you will polish your skills and you will be able to speak good English if you speak out. अक्सर हमने देखा है कि एक बच्चा जो होता है, मैं अक्सर की बात कर रहा हूँ, वो क्यों जल्दी language शुरू करता है? कोई भी language है, वो बहुत जल्दी सीखता है. आप देखते हैं बच्चे पहले कहते हैं मामा, फीडर, और हम हंसते हैं उसकी बातों पे कि यार how cute he is. लेकिन हम क्या करते हैं, हम डरते हैं बड़े जब हो जाते हैं कि यार मैंने अगर गलत इंग्लिश बोल दी तो लोग मुझे जज करेंगे एंड दे विल लॉफ एट मी. लेट देम लॉफ, हंसने दें उनको. हंसते तो जोकर्स पे भी लोग बोलते हैं, ठीक है ठीक है, हंसते तो लोग इंटेलिजेंट बंदों पे भी बोलते हैं, लेकिन लेट इट बी. लेकिन आप प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है. आपकी थिंग्स परफेक्ट होंगी कैसे, आप प्रैक्टिस करें. एक वक्त आएगा कि आप अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे और हिचकिचाएगा. बच्चा इसलिए इंग्लिश सीखता है, कोई भी लैंग्वेज इसलिए सीखता है क्योंकि उसको ये नहीं पता होता कि ये हंस रहे हैं मेरे ऊपर, पता नहीं मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, उसको पता ही नहीं होता इस चीज का कि ये मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है. हम तो हंस रहे होते हैं उस क्यूटनेस की वजह से, लेकिन उसको क्या करता है, वो टूटे फूटे वर्ड्स बोल बोल के आते हैं, उसको स्ट्रक्चर बनाना आ जाता है और उसको सेंटेंसेस डिलीवर करने आ जाते हैं और वो जल्दी से बोलना शुरू हो जाता है. उसकी वजह यह है कि वो कभी भी डरता नहीं होता. आप भी अपने अंदर से डर खत्म करें,